हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बेस पर ये न्यूमेरिकल थ्री कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, सामने क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत कुछ बातें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है उसके बेस में मैं पढ़ रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या है कि कैलकुलेट आरएल मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द टेलीफोन टावर है। एक टेलीफोन टावर है, ठीक है, उसके टॉप का आरएल फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके टॉप का आरएल फाइंड आउट करना है। और कुछ डेटा दिए गए हैं जो सर्वे करके कुछ डेटा कलेक्ट किए गए हैं और उसके बेस पे मुझे आरएल फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं, आप प्रैक्टिकली वीडियो भी देख के और काफी कुछ उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या दिया है। पी और क्यू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दिया है, ठीक है, पी और क्यू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दिया है। फिर बाद में पी का जब बेंचमार्क पर स्टाफ को रखते हैं तब जो रीडिंग नोट डाउन करते हैं पी इंस्ट्रूमेंट से, तो ये रीडिंग आ रही है, और बेंचमार्क पे क्यू से जब रीडिंग लेते हैं तो ये आ रही है, ठीक है, ये दोनों पता चल गए। और इसमें जो बेंचमार्क पे रीडिंग नोट डाउन की जाती है इसमें ये बताता है कि इंस्ट्रूमेंट का लेवल ऑफ एक्सिस, जिसका ऊपर होता है उसका लेवल ऑफ एक्सिस ऊपर है, जिसका नीचे होता है उसका लेवल ऑफ एक्सिस नीचे है, ये पता जाता है। ज्यादा जिसका है उसका लेवल ऑफ एक्सिस मतलब पी का लेवल ऑफ एक्सिस ऊपर है और क्यू का लेवल ऑफ एक्सिस नीचे है, ठीक है। और एंगल क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के नियर कौन सा है। देखिए सेम रहेंगे तो दोनों का लेवल ऑफ एक्सिस सेम होगा, ठीक है, दोनों मतलब एक ही पॉइंट से लिए गए हैं सेम अगर होता है तो, लेकिन डिफरेंट है तो देखिए जिसका एंगल ज्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट के नियर होता है, ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा वो ऑब्जेक्ट के नियर होता है, मतलब इसका एंगल ज्यादा है पी का तो वो ऑब्जेक्ट के नियर होगा और इसका कम है तो ये ऑब्जेक्ट के दूर रहेगा, फॉर रहेगा। और आर एल ऑफ बेंच मार्क दिया हुआ 100 मीटर। देखो पी क्यू मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस भी दिया है 50 मीटर। पी क्यू एंड टावर आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, पहले बोल दिया कि ये सेम वर्टिकल प्लेन है, तो सेम वर्टिकल प्लेन में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखना ये इस तरीके से, ठीक है। और मैंने ये टेलीफोन टावर बना दिया है, देखिए ये टेलीफोन टावर बना दिया है, शायद आपने देखे होंगे टेलीफोन टावर, ठीक है, इस तरीके से बना रहता है टेलीफोन टावर, ठीक है, यहाँ पे ओके इस तरीके से टावर मैंने बना दिया। अभी क्या करना, मैंने बताया कि पी पॉइंट क्या है उसके नजदीक रहेगा और उसका लेवल ऑफ एक्सिस भी ऊपर रहेगा, ये भी ध्यान देखने का है कि उसका लेवल ऑफ एक्सिस मैं ऊपर बना दे रहा हूँ हाइट, ठीक है, ये उसका लेवल ऑफ एक्सिस, ये थियोडोलाइट का लेवल ऑफ एक्सिस ऊपर हो गया, ठीक है। और इसका एंगल मैंने पी ये बता दिया कि ये पी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, पी है, ठीक है, तो पी से जब मैं एंगल ले रहा हूं, ये ध्यान देना हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैं एंगल बना रहा हूं, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये अल्फा वन मारा है, और अल्फा वन की वैल्यू क्या है, यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे लिख देता हूं, अल्फा वन की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, अल्फा वन की वैल्यू जो भी है वो मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है, अल्फा वन की डिग्री क्या है 50 डिग्री 0 मिनट है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद से देखिए क्यू पॉइंट जो है वो क्या होगा, जिसकी एंगल कम रहते हैं वो दूर रहता है, मतलब वो एक यहां पर है, और ये मैं नीचे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसकी जब बेंचमार्क से रीडिंग ले रहे हैं तो कम आ रहा है, मतलब इसका लेवल ऑफ एक्सिस कम है, तो ये होगा, ठीक है, ये मैंने क्यू पॉइंट ले लिया। और इससे जब हम एंगल लेते हैं, जब इससे एंगल लेंगे तो कम आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल मेरा एक्सिस ये बन रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन रहा है, और इसके साथ एंगल जो बन रहा है वो अल्फा टू है, और यहाँ पे मैं अल्फा टू की रीडिंग लिख देता हूँ 12 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ पॉजिटिव होने का एक और मीनिंग है कि पॉजिटिव मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर की तरफ है, नेगेटिव हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये चीजें हो गई आपको। अभी जब बेंचमार्क पे रीडिंग नोट डाउन की जाती है, ध्यान दे रहा है यहाँ पे मान लो बेंचमार्क है, ये आपका बेंचमार्क है, तो यहाँ पे जब मैं स्टाफ को रख रहा हूँ, ध्यान देना ये स्टाफ को रखा, तो इसकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, क्यू की, क्यू का मैंने लिया, क्यू की रीडिंग कितनी है 1.655, वो लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा जब ये P
पी से जो रीडिंग ले, पी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो रीडिंग ली जाती है, ये रीडिंग जो होती है ना यहाँ से बेंचमार्क से, ये डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस बताती है, ठीक है, ये स्टाफ लेवल पर रीडिंग बताता है। फिर इसकी जब रीडिंग ली गई तो इसकी हाइट बता रहा है कितना, 3.55, कितना ये मीटर में, ठीक है, इतना बता दिया मीटर में बता रहा। ओके, अब आपको पता करना है कि यहाँ ये जो टावर है, ये जो टावर बना हुआ है, इसका आरएल क्या होगा, यहाँ का आरएल नाम रख देते हैं, यहाँ पे ये पी है तो इसका नाम पी डैश रख देते हैं, ये क्यू है तो इसका नाम क्यू डैश रख देते हैं, यहां से जब क्यू का बन रहा है तो यहाँ पे आर रख देते हैं, और इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यहाँ पे जब बन रहा है, ठीक है, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं, कुछ भी रख दे सकते हैं, सी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो दिया है, इसको मैंने बी माना है, और बी की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 50 मीटर दिया है, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 50 मीटर दिया, मैंने पी क्यू की वैल्यू बी माना है, ठीक है। अभी देखो ये मैंने बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट ये और ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में हो तो कंडीशंस मैंने बताए हैं, इसके प्रीवियस केस वाला वीडियो देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट के नियर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर हायर हो तो वो भी चीजें मैंने वीडियो अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 था, और उसके पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लेना है, ये वाला कंडीशन लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद रखोगे कहीं ना कहीं फॉर्मूले से मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के बेस पे अलग अलग फॉर्मूले है, फॉर्मूले याद रखने पे भूल भी सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कंडीशन याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इन ट्राइंगल ये ले लो, इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम ए रख दो, तो ए पी डैश सी ले लो पहले, तो इन ट्राइंगल ए पी डैश सी डैश, ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल में क्या हो रहा है, टेन अल्फा वन अगर मैं लेता हूं, ध्यान देना टेन अल्फा वन, तो क्या होगा अपोजिट, ये मैंने अल्फा वन जो लिया है यहां से इसकी एच वन जितनी हाइट है, और ये जो अल्फा टू रीडिंग ली गई उसकी अपोजिट डिस्टेंस जो आ रही है वो मैंने एच टू मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा अपोजिट अपन एच वन अपन डिस्टेंस, ये डी है, डी मैंने मान लिया, नहीं दिया रहता है क्योंकि हम इसके अंदर से फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं, तो ये डी हो गया। तो एच वन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ के कंडीशन से देखेंगे तो एच वन इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी टेन अल्फा वन भी आ जा रहा है, इक्वेशन वन ले लेंगे। दूसरा केस में देखेंगे यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ए क्यू डैश आर, इन ट्राइंगल ए क्यू डैश आर लिया, तो इसमें टेन अल्फा टू लेंगे, टेन अल्फा टू, तो टेन अल्फा टू क्या होगा, टेन अगर अल्फा टू मैं ले रहा हूं तो क्या होगा, ये एच टू अपन ये आएगा, तो एच टू अपन बी प्लस डी आएगा, देखो बी प्लस डी, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है इसलिए अलग अलग पॉइंट पर रहते तो लेना मुश्किल होता। अब यहाँ पे एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन किससे, टेन अल्फा टू से, समझ में आ गया ये पॉइंट। जब ये पॉइंट समझ में आ गया तो देखो एक चीज, यहाँ फिगर में देखोगे अगर मैं इसमें से ये पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, और यही डिस्टेंस तो ये है एच टू माइनस एच वन भी वही डिस्टेंस है ना, तो इसको मैंने मान लेता हूं ये एच डी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एच डी माना है, बाकी ये तो वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है। तो वही कर रहा हूं मैं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड टू, जब इक्वेशन वन और टू को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा यहां पे, एच वन, एच वन नहीं एच टू माइनस, एच टू माइनस एच वन, और क्या मिल रहा है एच टू माइनस एच वन, देखो बी प्लस डी टेन अल्फा टू, ये आपका एच टू हो गया, और माइनस एच वन क्या है डी टेन अल्फा वन, ये अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू है, मैं मस्त कंडीशन तुमको दिखा रहा हूं कि कैसे कौन चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, देखो यहां से मुझे ये हाइट भी पता है, ये हाइट भी पता है, ये लेवल पता है, बस इसमें से एच वन एच टू कोई भी मिल जाए ना तो मैं यहाँ का आर एल बता सकता हूँ, और वही चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे वही चीज मैं बता रहा हूँ। अभी ये वैल्यू क्या है, एच डी के बराबर है, यहां पे देखो इसको इसके साथ तोड़ दो, बी का टेन अल्फा टू हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर प्लस डी टेन अल्फा टू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये तो दिया है डी टेन अल्फा वन। अब मैं ये जो वैल्यू है इसको मैं इस तरफ करूंगा तो माइनस आएगा, ऑब्वियसली आएगा ही, तो क्या हो गया एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू, यहां पे डी कॉमन कर लिए तो क्या बचा
टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, ठीक है, दिख रहा है। तो डी इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू अपन क्या हो गया, टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन। अब ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। या तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना, एच वन इक्वल टू डी टेन अल्फा टू, इसमें पुट कर दो ये डी की वैल्यू, कर देते हैं, या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर बाद में यहां पे करना, दोनों कर सकते हैं दोनों कंडीशन से, पहले यहां की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर उसके बाद से यहां करना, या तो इसकी वैल्यू पहले इसकी वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो एच वन मिल जाएगा। अगर एच वन मिल गया तो मैं यहां पे आर एल इसका दिया हुआ है 1000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेंच मार्क का आर एल 1000 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 1000 दिया है, तो ये 1000 में, ये फिगर से देखिए, ये 1000 में मैं एच वन चाहिए ना, तो ये 3.55 ऐड कर दूंगा, ठीक है, रीडिंग ऑन बेंच मार्क फ्रॉम पी, पी से जो रीडिंग ऑन बेंच मार्क लिया गया वो, फिर बाद में इसमें एच वन ऐड कर दूंगा, यहाँ पे पहुंच गया। तो वही कंडीशन, यहाँ डी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखो डी एच डी की पहली वैल्यू क्या है, एच डी मतलब फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर में देखिए एच डी ये वैल्यू है, मतलब 3.55 माइनस 1.655, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3.55 माइनस 1.655, ये हो गया। फिर माइनस है, बी की वैल्यू 50 है, पहले मैंने आपको बता दिया बी की वैल्यू कितनी है 50, फिर बाद में 10 अल्फा टू, अल्फा टू की वैल्यू कितनी है यहीं पे लिखा है, ठीक है 12 डिग्री 30 मिनट। यहां पे इसलिए मैं इस पे पेपर में बता रहा हूँ क्योंकि कैल्सी पे रीडिंग कैसे नोट डाउन करनी वो भी तरीका बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये वैल्यू कहाँ से लाए, तो वो वैल्यू कहाँ से आती है वो भी मैं टेक्निक आपको बता दूंगा। फिर बाद में डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है टेन 12 डिग्री, देखो पहले अल्फा टू है 30 मिनट माइनस टेन अल्फा वन कितना है 15 डिग्री 0 मिनट है। अब देखिए मैं कैल्सी पे कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, कैल्सी में आपको सीधा सीधा रीडिंग दिखेगी कैसे, पहले ब्रैकेट है उसमें 3.55 है माइनस 1.655 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर बाद में माइनस है, फिर क्या है 50 10 12 करके डिग्री करें और 30 लिख के एक बार और इसको क्लिक करोगे, देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये मिनट हो गया। अब इक्वल कर देंगे तो ये ऊपर की वैल्यू मिल गई, ऊपर की वैल्यू में डिवाइड करना है ये, तो ये दो है वो भी प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन रहता तो चल जाता है लेकिन दो है तो इनको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट लिया फिर ये लिखेंगे वही कंडीशन 10 12 डिग्री 30 मिनट माइनस 10 15 डिग्री 0 मिनट ब्रैकेट, फिर क्लोज कर देंगे, फिर इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कितनी डी की वैल्यू आ गई जो आपकी कैलसी में दिख रही है, कितने दिख रहे हैं 198.677 मीटर है, ये डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू मिल गई तो यहीं पे मैं यहां पर ही शॉर्ट में बता देता हूँ, यहीं पे कंडीशन में बता देता हूँ, यहां पर इतने में ही बता देता हूँ, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ क्या है, ये डी की वैल्यू मिल गई और इक्वेशन वन में देखेंगे तो एच वन इक्वल टू क्या है डी टेन अल्फा वन है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है कैल्सी में तो है ही है, तो डी की वैल्यू 198.6, इसको हटाना नहीं है, फिर 10 इसके साथ अल्फा वन की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री 0 मिनट है, ये जितना है इसी में देखो मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब आंसर जो है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और क्या करना है 10 करना है 15 डिग्री 0 मिनट इक्वल कर दो, आपकी वैल्यू आ गई एच वन की 53.235 है, एक प्लेस कर लो तो 234 हो जाएगा, 24 हो गया, ठीक है, ये मीटर एच वन मिल गया। अब आर एल एट ए फाइंड आउट करने, ए मैंने माना है तो आर एल एट ए कर लेंगे, यहाँ पे देखो वही लिख रहा हूं, इतने कंडीशन में मैं बता देता हूं आर एल एट ए मतलब आर एल ऑफ द टॉप ऑफ द टेलीफोन टावर भी लिख सकते हो, पहले क्या करेंगे आर एल ऑफ बेंच मार्क, आर एल ऑफ बेंच मार्क होगा, फिर प्लस ये वाला, ये यहां से लेके एच वन है तो एच वन तक का हाइट, ठीक है, बी एस उसको मैंने मान लिया, बी एस मतलब 3.55 होगा एच वन अगर कर रहे हो प्लस एच वन, तो
तो ये देखो 1000 दिया हुआ है, प्लस BS तुम्हारा 3.55 है, H1 ले रहे हो तब BS ये होगा, H2 ले रहे हो, अगर H2 फाइंड आउट होता तो ये वाला ऐड करते 1.655, H1 है तो ये हमने ये ऐड कर दिया, इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच गए तो ये RL मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू है H1 की, अभी यहाँ पे आए 53.24। देखो ये 53.24, ये देखो पॉइंटों में है ना, वो भी वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। देखो इसमें प्लस क्या करना है, प्लस 3.55 प्लस ये 1000 इक्वल करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, कितना आया 1056.785 है, तो 79 कर लो, इतना मीटर आ गया। ये जो आपका वैल्यू आया 1056.79 मीटर, ये आपका RL ऑफ टॉप ऑफ द टावर हो गया। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे तो रियली आप बहुत अच्छे से जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझा के अभी सिखा रहा हूं तो बहुत जल्दी टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब समझ चुके हैं तो ऐसे करने जाएंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते रहिए और समझते रहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा भरसक प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे चाहे कहीं पर भी आपके जो भी फ्रेंड लिंक है वहां पर ये लिंक जरूर पहुंचाएं कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।